हम लोगों के वर्क प्लेस में हम लोगों का सेफ्टी एक डिमांड है कि हम लोग अगर सेफ नहीं होंगे तो हम लोग सर्विस कैसे देंगे, तो हम लोगों का सेफ्टी बिल्कुल ये करना होगा। सबसे पहले आप लोग का जो माध्यम है, इस माध्यम से हम लोग पैन इंडिया में एक मैसेज देना चाहते हैं। वो जो अभी तक हम लोग के ऊपर सॉलिडरिटी दिया है, इसके लिए हम लोग ऑल मेडिकल फ्रेटर्निटी सिविल सोसाइटी को हम थैंक्स बोलते हैं। ये मूवमेंट का प्रेशर में ही ये जो ऑटोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो दो दो बार ट्रांसफर होने के बाद भी वो खुद इधर पर आ गया और कोई भी इधर में मूवमेंट उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता था, उसको हटाया गया। ये एक विक्ट्री ऑफ द मूवमेंट, इसके लिए हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सब स्टूडेंट्स को। पर हमका डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं आया है। हम लोग का डिमांड क्या है, हम लोग जो पुलिस का जो जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है। 48 आवर्स हो गया है, जो उसका जो हालत था उसको देख के ही, जो विक्टिम को देख के ही बोलेगा या मल्टीपल एक्यूज्ड है, पर पुलिस अभी तक ये स्वीकार भी नहीं कर रहा है मल्टीपल एक्यूज्ड है, वो आंसर भी नहीं दे पा रहा है। फिर भी काला के सीपी विनीत गोयल बोल के गया है ये एक गुजब है, हाँ ये र्यूमर्स है, मल्टीपल एक्यूज्ड है, ये कैसे बोल सकता है, ये तो जो भी देखेगा बोलेगा मल्टीपल एक्यूज्ड है। तो ये तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एकदम सेटिस्फाइड नहीं है, इसको जल्द से जल्द सब सब जो दोषी है सब दोषी को पकड़ना पड़ेगा, उसको इमीडिएट पनिशमेंट देना पड़ेगा। आप रिजाइन दिए सर, इसका कारण सर बताइए। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रिजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रिजिग्नेशन दे रहा हूँ मेंटली। मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। जाएगा